जय हिंद प्यारे साथियों। तो SSC GD मेडिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखो। मेडिकल के लिए ये टिप्स को आपका इम्पोर्टेंट, ध्यान से आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका मेडिकल आसानी से पास हो जाएगी। तो SSC GD मेडिकल के लिए बहुत सारे बच्चों का अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा वेट ज़्यादा है। एग्ज़ाम फिजिकल तो पास कर चुके लेकिन उसका वेट ज़्यादा है। वेट को कम करने के लिए कुछ टिप्स नहीं है, और किसी का तो लेग में प्रॉब्लम है, किसी का नॉक नी प्रॉब्लम है, किसी का हैंड में कैरी एंगल का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और आप इस टिप्स को फॉलो करके अपना सारा प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इतना मेहनत करके आप एग्ज़ाम पास की हो, फिजिकल पास किए हो 5 किलोमीटर रनिंग, तो मेडिकल में अगर फेल हो गए तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो ध्यान से इस टिप्स को फॉलो करो। जब भी आप मॉर्निंग टाइम उठ जाग जाएंगे अपने नींद से, तो ग्राउंड चले जाइए। ग्राउंड जाकर देखिए अपना कहाँ पर प्रॉब्लम है। कहीं पैर में, पैर के नाखून में प्रॉब्लम है, या हैंड में प्रॉब्लम है, या आँख में प्रॉब्लम है, नाक में, कान में, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उसका इलाज करें, उसका एक्सरसाइज करें। लेग का, नॉक नी का प्रॉब्लम, देखो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है। आप लेग का एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। नॉक नी, लेग आपका टच हो जाता, हैंड में कैरी एंगल का प्रॉब्लम टच हो जाता, तो कैरी एंगल का एक्सरसाइज करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके पास 1 से 2 महीने टाइम है, बिल्कुल मेडिकल के लिए आप तैयारी करें। आपका 100% आपका मेडिकल के लिए ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कोई भी अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो अपने वीडियो पर आप कमेंट करें। ठीक है, तो आपके लिए डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका एक्सरसाइज करके एक वीडियो हम बना देंगे, आपको कौन सा एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, तो SSC मेडिकल के लिए, BSF में जाने के लिए, SSB में जाने के लिए, CISF में जाने के लिए आपको बिल्कुल डेली मेहनत करना होगा। यानी कि आपका जब भी ट्रेनिंग होगा ज्वाइनिंग के बाद, तो ट्रेनिंग में आपका बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग है, आपको बहुत ही मेहनत करना होगा। तो उस ट्रेनिंग के लिए अभी से आप अगर नई तैयारी करते हो तो आपका ट्रेनिंग में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथी हो तो एग्जाम पास करके ज्वाइनिंग में जाते हैं लेकिन ट्रेनिंग में सब छोड़ के घर चले जाते हैं। ऐसा गलती मत करना। CISF हो, ITVP हो, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो अभी से आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो मेडिकल के लिए, तो आपका ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा, आपका सैलरी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो SSC मेडिकल के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, अच्छा डाइट प्लान भी करें, क्योंकि मेडिकल के लिए बहुत सारे साथियों का वेट गेन हो जाता है, तो कान में प्रॉब्लम हो जाता है, आँख में प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेडिकल के लिए अपने शरीर को देखें, बॉडी को, कि कहाँ पर आपका प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, अगर है तो आप उस हेड का एक्सरसाइज करें, लेग का एक्सरसाइज करें, आपका ठीक हो जाएगा। और कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करें। आपके लिए मैं हर वक्त हूँ, और एक BSF सर है, SSC ED में ड्यूटी करती है, डेंजर फिटनेस 2M उसका चैनल का नाम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत सारा टिप्स है उसके वीडियो पर। कोई भी अब अगर मेडिकल के लिए प्रॉब्लम है तो सर को कमेंट करें, सर आपको बहुत ही हेल्प करें। ठीक है, ज्वाइनिंग में, ट्रेनिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, आज बस इतना ही। जय हिंद, भारत माता।